नमस्कार मित्रों, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों कहते हैं कि अबला नहीं नारी है सबला, करती रहती जो सबका भला। क्योंकि नारी न केवल सबका भला करती है, परिवार का तो करती ही करती है, लेकिन संसार का भी भला करती है। इसीलिए शायद हमारी संस्कृति में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ उसका सम्मान होता है, वहाँ सुख होता है, शांति होती है, आनंद होता है और सचमुच जीवन जीने का संपूर्ण रूप से व्यक्ति आनंद ले पाता है। चाहे घर हो या बाहर, आज के दौर में मित्रों नारियाँ हर जगह पे अपने आप को साबित कर रही हैं कि हर फील्ड में वो सफलता अर्जित कर सकती हैं और न केवल परिवार का सुव्यवस्थित संचालन कर सकती हैं बल्कि समाज का भी और बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों का भी बहुत अच्छी तरह वो वहन कर सकती हैं। इसी की एग्जाम्पल हैं आज की हमारी मेहमान जो एक मुलाकात में हमारे साथ हैं। आप हैं मुंबई महानगर पालिका की महापौर श्रीमती स्नेहल अंबेकर जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और एक मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अंबेकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और सभी दर्शकों को ओम शांति। ओम शांति। अंबेकर जी मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आप पहले LIC ऑफिसर थी और अब आप महापौर के तौर पे कार्य कर रही हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और सभी की तरफ से हम आपको बधाई देते हैं आपके बहुत सुंदर कार्य के लिए। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि LIC ऑफिसर के तौर पे कार्य करने के बाद पॉलिटिक्स में आने की और समाज की सेवा करने की ये भाव कैसे पैदा हुआ? हाँ, मैं LIC के मार्केट डिपार्टमेंट में सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव करके काम कर रही थी जी। और उसके पहले 16 साल मैंने एक प्राइवेट फर्म में एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर करके काम किया है और ये जो अपॉर्चुनिटी आई मैं बोल सकती हूँ एक एक्सीडेंटली बोल सकते हैं कि विभाग में महिला आरक्षित हुआ और उस दौरान सभी के मुख पे मेरा नाम था तो मैंने भी उसके लिए अप्लाई किया। नहीं तो राजनीति में मेरा कुछ उतना डायरेक्ट संयोग नहीं था जी। मेरे मिस्टर हमारे शिवसेना पक्ष के उपशाखा प्रमुख थे मेरे विभाग के, तो एक महिला आरक्षित हुआ और अनुसूचित जमाति के महिला के लिए आरक्षित होने के कारण मेरा नाम सभी के मुख पे आया और फिर मैंने उसी दौरान एप्लीकेशन कर दिया और माननीय पक्ष प्रमुख हमारे उद्धव जी ने और उस समय हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी भी थे तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया जी जी जी। और ऐसे आपका राजनीति में प्रवेश हुआ, आना हो गया। तो कितना आपको कठिन लगा? क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि राजनीति जो है वो इतना सहज नहीं है, वहाँ जाना रहना अपने आप को स्थापित रखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम सुनते रहते हैं। आपको कैसा लगा वहाँ जाके कि वो सब बातें ठीक हैं या फिर वहाँ की चीज़ों को भी ठीक किया जा सकता है, रहा जा सकता है और समाज की सेवा की जा सकती है? मेरी खुद की राय ऐसी है कि अगर अपने हमें अगर समाजकरण अच्छा करना है तो युवा पीढ़ी को और महिलाओं को राजकारण में आना चाहिए। तो पहले ही मेरी लाइफ में भी सोशल लाइफ ज़्यादा थी, लोगों को जाके समझाना, लोगों को अगर कुछ परेशानी है तो उसको सॉल्व करना, पहले से मैं अग्रेसर थी इसमें। तो मुझे लगा एक अच्छा मार्ग मुझे उपलब्ध हो रहा है तो क्यों ना जाए। और आप जैसे बोल रहे रुपेश जी की ज़रूर है कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो कोई भी फील्ड बुरा नहीं रहता। जी जी जी, हमें अपना श्रेष्ठ कार्य करते चलना चाहिए विशेष। लेकिन कई बार ये कहा जाता है, मतलब खास करके युवाओं की बात कह रहा हूँ, कि युवा ये सोचते हैं कि शायद वो अनिश्चित फील्ड है जहाँ बहुत उठा पटक है, जहाँ पे हमें बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जो हमारी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती, इसलिए वो उस फील्ड में जाना नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि सचमुच वैसा है या हमारा मन शुद्ध हो तो हर कार्य को किया जा सकता है? जरूर जरूर, अगर हमारा मन शुद्ध हो और हमारा विचार अगर एक डायरेक्शन से अच्छी तरह से जा रहा है तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता जी। अगर हम अपने डिसीजन पे फर्म हैं और हमारा कार्य अच्छा है तो मैं नहीं चाहती, हाँ अगर कहीं कुछ बुराई है जी। तो उसको ओवरकम आके हमें आगे चलना है। आपके सामने कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई? क्योंकि आप यदि जब एक अच्छे पद पे रहते हैं तो आपके सामने बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, कई प्रकार के प्रलोभन आते हैं कि आप हमारा ये कार्य करवा दीजिए और हम आपको ये मिठाई का डिब्बा पहुंचाते हैं आदि आदि इत्यादि। मतलब प्रलोभन भी होते हैं, दबाव भी होता है, ऊपर से पार्टी का भी दबाव हो सकता है, अन्य लोगों का दबाव हो सकता है। आपके सामने कभी ऐसी चुनौती आई और आई तो आपने कैसे फेस किया? मैं इस बारे में खुशनसीब समझूंगी खुद को कि क्योंकि हमारी जो पार्टी है शिवसेना पार्टी, वहाँ से कभी दबाव नहीं आता है
और काम करते समय ऐसे अनुभव आते हैं, लेकिन जब कोई डिब्बा मिठाई का बोलता है तो मिलती पहले डॉक्यूमेंटेशन पूरे कीजिए। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब कार्य जो है व्यवस्थित होनी चाहिए, डिब्बा भले प्यार से आप यदि देना चाहें तो कोई हर्जा नहीं है। विशेष करके मैं जानना चाहूंगा, वैसे एक स्वच्छता अभियान पूरे देश में चला हुआ है, मुंबई वैसे भी आर्थिक राजधानी है और पूरे दुनिया भर के लोग वहाँ आते हैं, कुछ विशेष प्रयास स्नेहल जी आपकी तरफ से हो रहा है ताकि मुंबई स्वच्छ रहे और उसको एक आदर्श सिटी के रूप में आप सबके सामने ला सके? जरूर, स्वच्छता ऐसे कि हमें पहले से ही जो हम पाठशाला में जाते हैं तो पहला पार्ट वही रहता है स्वच्छता का, फिर वो शरीर की स्वच्छता हो, अपने आवास की हो, अपने विभाग की हो, वो अलग अलग टप्पे से आ जाती है। लेकिन जब तक लोग सोचते कि नहीं ये काम मेरा नहीं है, ये काम ये लोगों का है, जैसे एक एग्जाम्पल की मनपा की या BMC के लोगों का है, तो ऐसे जब सोच हो जाती है तो उस सोच की वजह से जो मेन उद्देश्य स्वच्छता का रहता है वो बाजू रहता है। तो इसलिए मैं तो ठाम हूँ कि अगर हमें अगर कुछ भी योजना और कुछ भी प्रशासन योजना ये प्रकल्प लाती है उसमें अगर लोगों का सहयोग, लोगों का खुद का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तब तक वो योजना सफल नहीं हो पाती। और स्वच्छता तो पहले से हम लोग जोरों शोर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने जब इस पे लोगों को इन्वॉल्व किया और उसका परिणाम भी अच्छा आ रहा है कि जब लोग आ रहे हैं, अनेक संस्थाएं हमारे से जुड़ रही है, सब हमें सहयोग करने की बात कर रहे हैं और एक अच्छी और हम लोग जा रहे हैं। और जब ये ऐसा होगा जिसे सिविक सेंस कहा जाता है वो अगर लोगों में आता है तो मुझे लगता है कि भारत का विकास, भारत का जो नारा है स्वच्छता का वो पूरा हो सकता है, लेकिन लोगों का होना उसमें बहुत जरूरी है। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने कही कि लोगों को जोड़ना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसके लिए एक जागृति लाना या कुछ विशेष प्रकार की योजना लोगों के सामने लेके जाना या जन जागरण के लिए कुछ विशेष प्रयास करना, मैं वही जानना चाहता आपसे कि कैसे कुछ विशेष क्या मुंबई में आप कर रहे हैं लोगों में जन जागृति लाने के? हम लोग हमारे वार्ड से भी हर एक 2 दिन हम स्वच्छता के लिए दे रहे हैं सहकारी कर्ज के, लोग उसमें अधिकार भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे वहाँ पे 2 दिन हम लोग 1 घंटा रोज का दे रहे हैं। और उसके बावजूद अगर कोई संस्था या कोई लोग हमारे पास आ रहे हैं स्वच्छता करना चाह रहे हैं तो उनको जो कुछ मटेरियल चाहिए, हैंडग्लोव्स है, ब्रूम्स है, तो वो सब देने की कोशिश हम कर रहे हैं। और मुझे जहाँ जहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि आना है उनको एक प्रोत्साहित करने के लिए तो जरूर मैं वहाँ जाने की कोशिश करती हूँ। जरूर मैं पहले देखती हूँ वहाँ पे गंदगी होनी चाहिए तभी जाऊंगी, सिर्फ फोटोग्राफ्स करने के लिए मैं कभी नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही क्योंकि मीडिया में ऐसी बातें आती रहती है कि झाड़ू लेके हमारे नेतागण खड़े हो जाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, गंदगी होनी चाहिए तभी आप जाते हैं, ये सबके लिए एक बहुत प्रेरक बात है। स्नेहल जी, एक विशेष चीज आती है कि जब कभी हम अपने देश में देखते हैं नारियों को कि वो ऐसे फील्ड में बाहर आती हैं तो एक घर में और अपने कार्य में दोनों में सामंजस्य बनाना कई बार थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर हमारे यहाँ की मानसिकता ऐसी है कि नहीं, महिलाएं घर में रहें, घर को संभालें आदि आदि इत्यादि। तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे या कामकाजी महिलाओं को भी क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे ये सामंजस्य और तालमेल बिठाएं? जरूर, महिला अभी आगे बढ़ रही है शैक्षणिक दृष्टि से भी और करियर की दृष्टि से भी जी। लेकिन महिला होने के कारण अगर कभी भी महिला बाहर जाती है लेकिन घर भी संभालना ही है तो मैं समझती कि वो उस दोहरी भूमिका वो निभा रही है और मैं अप्रिशिएट करूँगी वो अच्छी तरह से निभा भी रही है। लेकिन समाज की भी, पुरुष वर्ग की भी एक भावना होनी चाहिए कि अगर हमारी घर की महिला अगर बाहर जाके कुछ अच्छा काम कर रही है समाज के लिए, घर के लिए, तो उसके लिए पुरुष वर्ग ने उसके साथ रहना चाहिए। क्योंकि मैं जानती हूँ कि कहना चाहूँगी कि घर की जो बाड़ रहती है वो 2 पहिए की तरह है, दोनों पहिए अगर अच्छी तरह से काम करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन कई बार स्नेहल जी ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा इम्बैलेंस भी देखने में जब आता है तो परिवार में थोड़ी सी एक अनबन की स्थिति बनने लगती है या मनमुटाव होने लगता है जब इम्बैलेंस होता है तो? इसीलिए विशेष मैं सूत्र, क्योंकि आप बहुत सफल हैं इस क्षेत्र में, तो विशेष कोई सूत्र देना चाहें हमारी महिलाओं को, माताओं को, तो वो सूत्र क्या होगा? मैं चाहूंगी कि अगर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है बाहर निकलने का तो पीछे का कदम भी वो उसके साथ चले, क्योंकि घर की बागडोर संभाल के घर वालों को अगर वो खुश नहीं रख पाएगी तो समाज में जाके वो क्या करेगी। जी, तो मैं कहना चाहूंगी कि दोनों भूमिका वो अच्छी तरह से निभाए क्योंकि उसमें उतनी क्षमता है, वो निभा सकती है,
थोड़ा कुछ अगर मुटाव है तो आपस के फैमिली के लोगों के साथ बात करके उसका सोल्यूशन निकाले, लेकिन वो बना न रहे, वो असुविधा जो है बनी नहीं रही, उसका सोल्यूशन जरूर निकाले क्योंकि उसमें वो क्षमता जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे नारी में तो बहुत सारी क्षमताएं हैं, वो सहनशील होती है, सबको संभाल लेती है, उसकी जैसी तो कोई नहीं हो सकती है, सभी लोग स्वीकार करते हैं। विशेष करके स्नेहल जी, आप कैसे ये कार्य करती हैं? मान लीजिए घर में कभी ऐसा हो गया कि थोड़ी सी अनबन वाली बात हो गई, मान लीजिए, या थोड़ा सा इम्बैलेंस आपको लगता है कि कहीं इधर ज़्यादा हो गया, तो आप विशेष करके कैसे इन परिस्थितियों को संभालती हैं, हैंडल करती हैं? मैं खास करके अपने घर की जो बहनें हैं उनके लिए जानना चाहता हूँ। हाँ जरूर, ऐसी स्थिति बहुत बार होती है क्योंकि मेयर बनना, महापौर बनना यानी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और मुंबई की महापौर बोलेंगे तो बहुत डबल जिम्मेदारी है जी, क्योंकि सभी दृष्टि से वहाँ पे काम करना, शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा घर के लिए भी समय थोड़ा हम लोग निकालना ही चाहिए। मेरे मिस्टर है जो सेंट्रल रेलवे में काम कर रहे हैं, मेरी एक बेटी है जो अभी 12th में है, तो उसकी भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो पूरी करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूर मैं कोशिश में रहती हूँ। और उनको भी एक गर्व है कि मेरी मम्मी कुछ अच्छा कर रही है तो वो भी संभाल लेती है। मिस्टर भी मेरे हस्बैंड भी मेरे अच्छी तरह से उसके लिए संभाल लेते, क्योंकि उन्होंने वो भी स्वीकार लिया है कि इन्हों का जो फील्ड है वो अलग है, शायद हमें कम समय दे पाएगी, लेकिन जितना भी समय दे रहे उसमें वो खुश है और अपना सब अच्छे तरह से कर रहे हैं। चलिए, ईश्वर ऐसा परिवार सभी को दे, ऐसा पति और ऐसी बिटिया सभी को प्रदान करे जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आजकल जब लड़कियां घर से बाहर जाती हैं स्नेहल जी, तो थोड़ी सी असुरक्षा का माहौल आप देख रही हैं समाज में है। मुंबई में पहले बहुत ज़्यादा सुरक्षा थी, यदा कदा अब मीडिया में ऐसे समाचार आने लगते हैं कि लड़कियाँ वहाँ भी थोड़ी सी असुरक्षित अपने आप को महसूस करने लगी हैं। आप क्या समाधान इसका बताएंगी या सोचती हैं कि ऐसा हो, लड़कियाँ भी किस बात का ध्यान रखें या प्रशासन की ओर से भी क्या किया जाए ताकि ऐसी जो एक अनहोनी घटनाएं होती हैं वो ना हो? जरूर, ऐसी अनहोनी घटना होनी भी नहीं चाहिए जी। इसके लिए हम लोग ने मनपा के स्कूलों में पहले से लड़कियों को जोरो कराटे भी सिखाना का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है जी, जी। ताकि वो खुद के पैरों पे ऊपर खड़े होके स्व संरक्षण कर सकती है। और अगर शासन की तरफ से भी बहुत सारी योजनाएं आ रही है उनको सबल बनाने के लिए, तो मैं चाहूँगी इसमें भी समाज का रोल ज़्यादा महत्वशील है, क्योंकि समाज में जो पुरुष प्रधान है उनकी मनोधैर्यता या उनकी मनोबल जो इसके बारे में बढ़ रहा है वो कई तो कम होना चाहिए, इसके प्रबोधन होना बहुत ज़रूरी है। और घर से हम लोग शुरू करें कि लड़के और लड़के में फ़र्क न करें, अगर लड़के को हम सब सुविधा दे रहे हैं तो उसके हकदार लड़कियाँ भी हैं, तभी वो भावना लड़कों के बीच में भी आ जाएंगी कि हमारी बहन, हमारी जो साथ महिला है वो हमारे साथ बनी रहे जी। अच्छी तरह से, और उनके ऊपर अत्याचार करने की कोई भावना भी उनके मन में नहीं आ सकती। और इसका एक और एक कारण है कि ये घटनाएं जो बढ़ रही है, माइग्रेशन जिसे कहा जाता है कि लोगों का आना दूसरे स्थल से, दूसरे प्रदेशों से, वो कहीं पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कर देना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ आए यानी हमारा कुछ दायित्व नहीं है, हम कैसे भी बिहेव कर सकते हैं, तो कहीं पे तो रुकना चाहिए और समाज प्रबोधन इसके बारे में होना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को आप इसमें कितना महत्वपूर्ण मानती हैं कि लोगों में यदि मूल्य हो या लोगों में यदि स्पिरिचुअलिटी की भावना हो तो क्या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, बातें हैं जो अनैतिक हैं कम हो सकती हैं? बहुत बहुत कम हो सकती है, क्योंकि उसकी वजह से एक मन में जो दूसरों की तरफ देखने का नजरिया है वो पूरा बदल जाता है जी। एक बंधन, अलग बंधन बन जाता है कि प्रेम देना और प्रेम लेना, और उसमें एक पवित्रता आ जाती है, तो ये शायद घटनाएं बहुत ही कम होने हो सकती है अगर ऐसे स्पिरिचुअल हमारे साथ रहेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ब्रह्मा कुमारीज भी विशेष एक कार्य कर रही हैं और वहाँ पे भी मुंबई में भी मैंने सुन रखा है कि महानगर पालिका की ओर से 19 ऐसे स्थान दिए गए हैं ब्रह्मा कुमारीज को, जहाँ पे वो जैसे पीस पार्क की तरह बना करके, गार्डन बना करके सेवाएं कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्पिरिचुअल बातें भी लोगों को सिखाई जाती हैं, दी जाती हैं, और साथ ही साथ लोग आते हैं और एक स्वच्छ चीज़ जो स्वच्छ भारत की बात है वो भी एक सुंदर सा स्वप्न साकार हो रहा है। तो इस विषय पे जो ब्रह्मा कुमारी इस कार्य कर रही हैं, आपका मैं वो जानना चाहूंगा प्रतिसाद की क्या है ये? बहुत अच्छा चल रहा है काम, मैं तो उनका शुक्रगुजार करूंगी जी।
कि बंबई में 125 सेंटर्स प्रजापति ब्रह्म कुमारी के है और काम बहुत अच्छा हो रहा है। एक शैक्षणिक सामाजिक दायित्व साथ रख के वो लोगों को अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर रहे हैं और बहुत सी जनता उनसे प्रभावित होके अच्छा काम भी कर रही है। जैसे बोला कि 19 गार्डन्स हम लोग ने उनके लिए दिए, ज़रूर है क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ मनपा हमेशा साथ रहती है जी। तो ब्रह्म कुमारी से निरंकारी संस्था भी काम कर रही है, बहुत सारी ऐसे संस्था है जो अच्छा काम कर रही है, जो लोगों को बता रही है कि खुद की पहचान पहले करो और खुद की पहचान करते करते आप आत्मा और परमात्मा से भी जुड़े रहो, क्योंकि वो अगर जुड़े रहेंगे तो हम बोल रहे कि परिवर्तन होना ज़रूरी हो भी रहा है, लेकिन किस दिशा में हो रहा है, अच्छी दिशा में हो रहा है या प्रगति की दिशा में हो रहा है, वो भी ज़रूर देखना पड़ेगा। और इसमें पूरी तरह से मार्गदर्शन वो लोग अच्छी तरह से करते हैं जी, और लोग उससे बहुत अच्छे ज्ञान लेके अपने में परिवर्तन लाके दूसरों के प्रति अच्छी भावना रख के काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो लोग इससे जुड़ भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। तो आगे भी कुछ ऐसे स्थान होंगे जहाँ पे आपको लगता हो कि जैसे अभी 19 स्थानों पे ये सेवाएं चल रही हैं, कार्य चल रहा है, क्या आपको लगता है कि और भी स्थान जो ऐसे पड़े हुए हैं जहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज अपना कार्य कर सकती हैं, लोगों की भी सेवा कर सकती हैं, स्वच्छता पे ध्यान दे सकती हैं, क्या आपके ध्यान में ऐसी चीज़ है, आगे कुछ योजना है? हाँ ज़रूर, अगर उनके साथ उनके पास कोई योजना है तो मेरे पास प्रस्ताव लेके आए, मैं ज़रूर इसके ऊपर गौर करूँगी, हमारे सभी नेतागणों से पूछ के उसके ऊपर भी अच्छी तरह से गौर किया जाएगा, क्योंकि वो हमारा काम वो कर रहे हैं जी, जी, तो जी। अगर हमें साथ देने की कोशिश करें तो हम भी उनके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात रहेगी कि लोगों के मन में भी एक अच्छा, लोगों के अंदर एक जो भावना है कि हाँ हमें अध्यात्म का भी ज्ञान मिल जाता है और साथ ही साथ एक स्वच्छता की भी बात हो जाती है। आप इस चीज़ को भी कितना महत्व देती हैं स्नेहल जी कि बाहरी स्वच्छता पे जैसे ध्यान देना बहुत आवश्यक है, वैसे ही अंदर की जो स्वच्छता है, जैसे हम एक बात कर रहे थे, जैसे आपने भी कहा कि अंदर लोगों की थोड़ी सी गंदगी है, इस कारण इस प्रकार की जो अनैतिक घटनाएं होती हैं, तो बाहर हम सफाई कर रहे हैं पूरे देश में, अंदर अपनी सफाई करना, अपने अंदर की जो विचार है उनको साफ करना, इसे कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। योग साधना जैसे हम लोग बोल रहे, योग साधना भी उसी का एक आधार है जी। हम बाहर से तो सुंदरता कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी मन की शांति, मन की सुंदरता बढ़ाने के लिए ये मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, जो ब्रह्म कुमारीज बहुत ही अच्छे, अगर 3 दिन का भी अगर टाइम है तो उसमें भी वो देने की कोशिश करें, 7 दिन का कोर्स है और ऐसे अलग अलग कोर्सेज भी वो दे रहे हैं, और मैं चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छी काम अच्छे काम कर रहे हैं, और इसमें उनका हर रोज का जो है वो बहुत ही बढ़ रहा है, और लोग उसमें उसकी वजह से प्रभावित भी हो रहे हैं कि मन की सुंदरता बढ़ रही है और आत्मा और परमात्मा से मिलन करने की जो कामना है वो पूरी तरह से वो निभा रहे हैं। जी जी जी, और परमात्मा से मिलन हो जाए तो लगता है उसके बाद तो बाहरी जो गंदगी है या जो देखने में आती है वो सारी चीजें तो साफ हो ही जाएंगी। क्या आप भी मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं स्नेहल जी? मैं चाहूंगी, क्योंकि महापौर होने के कारण बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है जी, तो जिम्मेदारी निभाने के लिए मन की शांति होगी, अगर आप खुश रहेंगे तो आप दूसरों को खुशी बांटेंगे, तो ज़रूर मैं चाहूँगी कि इस माध्यम से मैं भी कुछ अपना सहयोग मेरे लिए कर लूँ, ताकि मुंबई का अच्छी तरह से विकास करने में मुझे उसकी बहुत सारी मदद मिल जाएगी। जी 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 जी, और मेडिटेशन, जैसे अभी योग दिवस हम लोगों ने मनाया, पूरे विश्व में मनाया गया, तो ज़्यादातर लोग योग को आसन और प्राणायाम तक ही सीमित रखते हैं कि हाँ यही योग है, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज एक विशेष बात कहते हैं स्नेहल जी कि केवल आसन प्राणायाम वो तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, लेकिन आत्मा के विकास के लिए राजयोग मेडिटेशन भी बहुत आवश्यक है, और इसका होना भी जो योग दिवस है उसमें बहुत आवश्यक है, तो इस विषय पे भी आपसे विचार चाहूँगा। ज़रूर, आपने बोला कि इनका जो मेडिटेशन है वो योग साधना से अलग है, ये मुझे ये पता चला है। परमात्मा से कैसे जुड़ा जाए, सिर्फ नाम स्मरण करने से या प्राणायाम करने से तो हम शरीर पे अपना शरीर स्वस्थ हो सकता है, हम उसके ऊपर शरीर पे काबू पा सकते हैं, लेकिन मन को अगर काबू पाना है तो ये मार्ग बहुत अच्छा है। जी 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 जी, ऐसे मन पे नियंत्रण संपूर्ण रूप से हो पाएगा। अभी आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर्स में आई हैं, मुख्यालय में आई हैं, तो यहाँ आने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है आपको? बहुत ही एक नैसर्गिक वातावरण का मुझे अनुभव हुआ जी, जो मुंबई में बहुत कम मिलता है
एक अच्छा, और उन्होंने बहुत ही साफ सुथरा, और लोग भी इतने नम्रता से बात कर रहे, एक सब जगह पे अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। अभी आज पूरा दिन मैं वापस उसमें एक दिन व्यतीत करूँगी तो और ज़्यादा लोगों से मिलना हो जाएगा, और लोगों के विचार, हर एक लोग जो बात कर रहे हो, हर एक एक कुछ ना कुछ उसमें ध्येय है, ऐसे कोई कुछ बात नहीं कर रहा है, तो उसमें बहुत सारी सरलता और नम्रपना दिखाई दिया। और सभी बिल्डिंग्स को भी नाम बहुत अच्छे दिए गए हैं, जैसे वैकुंठ धाम है, त्रिलोक है, तो वो बहुत ही मतलब एक अच्छे वातावरण में या निसर्ग के सानिध्य में मैं बोल सकती हूँ कि आने का हुआ, वो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगी। मैं मेरी बहन माला बहन से बहुत प्रसन्न हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत इसके बारे में बताया था और आने के लिए इंसिस्ट किया था। मैं चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मुझे यहाँ आने का अवसर मिला उस वजह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहल जी, आप यहाँ आई और आज का आपका प्रवास बहुत ही सुखमय हो, आनंदमय हो, और बारंबार आप यहाँ आती रहें, ऐसी हमारी कामना है। आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, शांति। मित्रों, कहते हैं नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही है शोभा घर की। सदियों से, मैं कहूंगा कि सृष्टि के प्रारंभ से ही नारियां घर की शोभा बढ़ाती रही हैं, लेकिन अब समाज की और संसार की, समय की आवश्यकता हो गई है, मांग हो गई है कि नारियां घर से भी बाहर आएं और बाहर को भी वही खूबसूरती प्रदान करें जो खूबसूरती वो घर को प्रदान करती हैं। जैसे घर में एक अपनत्व, शांति, प्रेम की सरिता वो प्रवाहित करती हैं, वही सरिता प्रेम की बाहर समाज में भी प्रवाहित करें। क्योंकि यदि हम अपने देश को देखें तो आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है, और यदि हम अपने देश का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो उनका समाज के हर क्षेत्र में दखल देना बहुत आवश्यक है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र। आपने देखा स्नेहल जी आज हमारे साथ थी, वो भी राजनीति के क्षेत्र में बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं, समाज सेवा का कार्य कर रही हैं, सबके लिए प्रेरणा है, आदर्श हैं। महिलाएं सचमुच ऐसे सुंदर कार्यों को बहुत अच्छी तरह से संपादित कर सकती हैं, इसीलिए अपनी सभी माताओं से, बहनों से मैं आज के इस एपिसोड से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी अपने घर के कार्यों के साथ साथ बाहरी जो सामाजिक कार्य हैं उनमें भी अवश्य दखल दें, वहां भी आपकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसी प्रकार हम अपने देश को, समाज को सुंदर, श्रेष्ठ और स्वर्ग बना पाएंगे। मित्रों, बने रहिएगा हमारे साथ, इस कार्यक्रम में आगे एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।